नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों यहां पे एक जो है उत्तर प्रदेश जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संविदा भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जिसमें आज मैं संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाला हूं। इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरा जाना है, किस पद के लिए कितने पोस्ट निकाले गए। अगर हम यहाँ पे पद की बात करें तो देखिए, ऑफिस क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो गया, तो ये जो आपकी भर्ती वो संविदा पे है पूरी तरह। लेकिन जो विभाग है वो आपका गवर्नमेंट यानी कि सरकारी है, तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो BRC ऑफिस होते हैं वहाँ से ये भर्ती निकाली गई है। तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ, कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी यहां पे बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ जहां पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे चले, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही वैकेंसी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे संविदा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो परमानेंट हो, हर प्रकार की भर्ती अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं जो इसका नोटिफिकेशन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी की तरफ से, ये आपका देखिए 16/9/2022 को जारी किया गया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं मेसर्स JBS सॉल्यूशन शाकुंभरी कॉम्प्लेक्स चतुर्तल दुर्गा कुंड वाराणसी, विषय क्या है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। क्लियर हो गया। नीचे बात करेंगे तो उपर्युक्त विषय इस कार्यालय के पत्रांक समग्र शिक्षा दिनांक 14/9/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई है। तो आपकी संस्था को सेवा प्रदाता चयनित किया गया है। आपको अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय एवं BRC कार्यालय में कुल 27 पदों पर चयन के लिए सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर चयन की कार्रवाई कराई जानी है। यह कार्य संबंध है तथा शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाना है। अतः आपसे निर्देशित किया जाता है कि संलग्न विवरण अनुसार रिक्त पदों पर चयन के लिए निर्धारित अर्हता के क्रम में रिक्त पदों का विवरण सेवा योजना पोर्टल पर अपलोड कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर पदावार पृथक पृथक अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे यहाँ पे अभिलेख सत्यापन और दक्षता प्रमाणीकरण गठित समिति के माध्यम से कराया जा सके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पे वाराणसी की तरफ से ये जारी किया गया है। तो भर्ती के बारे में अगर हम देखिए बात करें यहाँ पे, तो सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ। पद नाम देखिए, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर 9 पद है यहाँ पे, एवरी ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लोकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती 1 साल की, 16,000 रुपये यहाँ पे दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे PF ESI आपका इंक्लूड होने वाला है। बात करें यहाँ पे देखिए एसेंटियल क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसेंटियल क्वालिफिकेशन BTEC है और ग्रेजुएशन है, BTEC है तब भी, ग्रेजुएशन तब भी, अगर BTEC है तो आपको ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएशन है तो उसके साथ ओ लेवल डिप्लोमा और ग्रेजुएशन विद ओ लेवल डिप्लोमा और BSc कंप्यूटर साइंस और BCA इनमें से कुछ भी है तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन इन सिमिलर फील्ड, 25 WPM हिंदी टाइपिंग स्पीड एंड 40 WPM इंग्लिश टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे होनी चाहिए। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश बोथ, राइटिंग स्पीकिंग यानी कि हिंदी इंग्लिश का जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एज आपकी जो है 21 से 40 साल होनी चाहिए। क्लियर हो गया। नीचे अगली भर्ती के बारे में बात करेंगे तो पद नाम है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के 9 पद हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती यहाँ पे 1 साल के लिए दोस्तों, यहाँ पे 16,383 रुपये मंथली आपको दोस्तों दिया जाएगा। बात करें यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो MBA है तब भी अप्लाई करेंगे, PGDM है तब भी अप्लाई करेंगे, मास्टर ऑफ कॉमर्स है तब भी अप्लाई करेंगे, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है तब भी अप्लाई करेंगे, PG डिप्लोमा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तब भी अप्लाई करेंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर पास इनमें से कुछ भी है तो ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका चाहिए और हिंदी इंग्लिश में आपका जो है लिखने और पढ़ने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो 30 से 40 साल के बीच आपकी दोस्तों एज होनी चाहिए। क्लियर हो गया। नीचे चलेंगे अगली भर्ती के बारे में बात करेंगे। पद नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद हैं, एज की बात करें तो 21 से 40 साल, 11,020 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे मानदेय, शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय से विज्ञान
कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट या डीआईओएस नाइलेट ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडिएट। देखिए अगर विश्वविद्यालय से मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, बीसीए है आपका, ठीक है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपको ओ लेवल की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट हैं आप तो इंटरमीडिएट के साथ आपका जो है ओ लेवल आपके साथ आपके पास होना चाहिए। डॉस यूनिक्स विंडोज के अंतर्गत कार्य करने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपका अंग्रेजी हिंदी में डाटा एंट्री का अच्छा ज्ञान, नोबल तथा विंडो एनटी जैसे नेटवर्किंग वातावरण का सॉफ्टवेयर तथा टाइपिंग यहाँ पे देखिए आपकी जो होनी चाहिए वो आपका हिंदी 25 प्रति जो है मिनट और 40 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे इंग्लिश की आपकी होनी चाहिए। अगली भर्ती के बारे में बात करें तो पदनाम असुलिपिक के एक पद है, 18,560 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा, एज 21 से 40 साल। योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। तो यहाँ के आप इंटर पास है तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। हिंदी असुलेखन एवं टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है और यहाँ पे आपका डोएक से ट्रिपल सी होना आपका कंपलसरी है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करें अगले भर्ती के बारे में तो यहाँ पे देखें लेखाकार का एक पद है संविदा पे, एक वर्ष आपका यहाँ पे दोस्तों, एज की बात करें 21 से 40 साल, 18,560 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे आपको वेतन मिलने वाला है। बात करें तो यहाँ पे स्नातक अगर आपका बीकॉम है तो अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी सहित ओ लेवल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक लेखाकार के रूप में कार्य करने का जो अनुभव आपके पास 3 साल का होना चाहिए। बात करें अगली भर्ती के बारे में तो पदनाम सहायक लेखाकार के दो पद हैं, 21 से 40 साल एज होनी चाहिए, 11,600 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। बीकॉम अगर आपके पास है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है और उसके साथ ओ लेवल है तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पदनाम अगली भर्ती का टंकण लिपिक का एक पद है, यहाँ पे बात करें एज की तो 21 से 40 साल, 11,020 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे आपको दोस्तों सैलरी मिलने वाली है। शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा है सरकार के समकक्ष यानी कि इंटरमीडिएट है तब अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और यहाँ पे ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोहर आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी की तरफ से। अभी मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाऊंगा, इसके अलावा और भी वैकेंसियां हैं उन पे भी आप एक बार देख ले, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कहां से अप्लाई करना। तो आइए दोस्तों चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वेबसाइट पे जाने के लिए हमको गूगल में टाइप करना सेवा योजना पोर्टल, क्लियर, जैसे यहाँ हमने टाइप कर लिया है, टाइप करने पर सीधे इंटर पे हम क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोजगार संगम, क्लियर हो गया। तो इस पर क्या करना है हमको, रोजगार संगम वाले आप इसमें हमको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे जो इसकी ऑप्शन वेबसाइट है सेवा योजना पोर्टल की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम फ़ोन में ओपन किए हैं तो इसको डेस्कटॉप साइट पर ओपन करने के लिए हम तीन बिंदी वाले ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर साइट जो है वो आपके डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो जाएगी। अगर आप भी यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी साइट की, क्लिक करके सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, इस पेज को हटाना है, तो इस पेज को हटाने के लिए इस क्रॉस पे क्लिक करना है। तो ये जो क्रॉस दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे जॉब सीकर हो गया, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। तो हमको क्या करना, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जॉब पर। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी साइड रिडायरेक्ट होने वाली है, थोड़ा सा दोस्तों वेट करते हैं। अभी मैं बिल्कुल आपको ए टू जेड सारी जानकारी दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का रह जाता है तो मुझसे कमेंट करके भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं, क्लियर हो गया। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी साइड रिडायरेक्ट हो रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों एक बार इसमें देखिए। हाँ तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जो आपका साइड है वो ओपन हो चुकी है, नीचे हम ड्रैग किए हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑफिस क्लर्क है, अंतिम तिथि आपकी जो है 18 अक्टूबर है फॉर्म भरने की, बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में आपका पद है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे 11,020 रुपये आपको आवेदन इसमें जो है सैलरी मिलेगी, आवेदन 396 इतने हो चुके हैं। रिक्त विवरण यहाँ से देखिए, आवेदन यहाँ से करें तो रिक्त विवरण के लिए जैसे हमको देखना है डिटेल में तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो ओपन हो रहा है, ये देखिए इस तरह से।
तो दोनों चीज़ें आप कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से दिया हुआ, देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, सैलरी वगैरह देखने को मिल जाएगी, एज मिल जाएगी, कहाँ आपको काम करना है तो वाराणसी में है ये भर्ती आपकी, इस तरह से सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं, यानी कि एक्सपीरियंस इस पर कंपलसरी नहीं है, क्लियर हो गया। वापस जाएं, ये तो आपको हो गया विवरण। अगर अब आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए मैं एक बता दूं कि आपको इसके सेवा योजना पोर्टल पे पहले आपको क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्लियर हो गया। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप किसी भी जो है साइबर कैफे चले जाइए या खुद से करना चाह रहे तो मेरे चैनल पर चले जाइए, सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। अब जैसे इस फॉर्म को हमको भरना है तो आवेदन करे वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी देखिए इसका जो फॉर्म जो यहां से भरना है वो साइड आपकी रिडायरेक्ट हो रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। और ये अभी देखिए दोस्तों ओपन होने वाला, थोड़ा सा वेट करते हो, ये देखिए इस तरह से ओपन हो चुकी है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए रहेंगे तो ध्यान रहे आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, कैप्चर डालना है और सीधा यहाँ से आप सबमिट करेंगे और लॉगिन करके फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म भरने में आपको टाइम नहीं लगे लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, सेवा योजना पोर्टल पर जितनी भी भर्तियाँ आएंगे आप आराम से घर बैठे अपने फ़ोन से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप आराम से सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिए और इस पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सेवा योजना पोर्टल पर, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगली भर्ती के बारे में, तो नीचे आते हैं। अगली भर्ती जो आपके दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्लियर हो गया, इसके बारे में मैंने वहां बताया है, ठीक है। अंतिम तिथि आपकी 18 अक्टूबर है, वाराणसी पे है, 11,600 रुपए यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा। अभी तक यहाँ पे एक भी फॉर्म नहीं पड़ा, ध्यान से आप देख लीजिए, यानी कि आप देख पा रहे हैं 18 तारीख लास्ट डेट है, एक भी फॉर्म नहीं पड़ा है, क्लियर है। तो जल्द से जल्द आप दोस्तों फॉर्म डाल लीजिए। नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे अगली जो भर्ती वो है अकाउंटेंट, ठीक है। ये भी वाराणसी में शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग में है, 18 तारीख लास्ट डेट है, एक यहाँ पे देखिए 18,560 जो है आपको सैलरी मिलेगी। अभी तक कुल एक फॉर्म भरा गया है, तो अभी दोस्तों जल्द से जल्द आप फॉर्म भर लें, अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से सलेक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बात करें स्टेनोग्राफर की, तो सेम आपके वाराणसी में बेसिक शिक्षा विभाग में, अंतिम तारीख है 18/10/2022, यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 18,560, 602 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं, आप यहाँ से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। नीचे चलेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे, यहाँ पे भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में, अंतिम तारीख है आपकी 18 अक्टूबर और यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों 11,020 रुपये, 151 फॉर्म यहाँ तक अभी दोस्तों पड़ चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और रिक्त का विवरण देखने के लिए इस पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती दोस्तों वाराणसी में ही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16,383 रुपये मिलेगा, 18 तारीख लास्ट डेट है, 61 फॉर्म अभी तक यहाँ पर दोस्तों भरे गए हैं, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की बात करें तो मैं उसमें आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया, फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी, सैलरी 16,000 रुपये यहाँ पे मिलेगी आपको, 18 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के लिए आपको रिक्त विवरण पे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इस पे क्लिक करें, इस तरह से आप फॉर्म को भर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पे अगली भर्ती के बारे में, ये आपकी कानपुर में है, कानपुर में है नगर पालिका परिषद, यानी कि जो आपका नगर निगम वहाँ पर है। एम कॉम आपके पास योग्यता होना चाहिए, 14,001 रुपये सैलरी है, 11 फॉर्म अभी तक पड़े हैं, रिक्त विवरण यहाँ से देख सकते हैं, आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। नीचे चलेंगे, अगली भर्ती आपकी बांदा में है, बेसिक शिक्षा विभाग में MBA MCOM मांगा गया है, 18 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ पे 16,383 रुपये आपको दोस्तों मिलने वाली सैलरी, 6 फॉर्म अभी तक यहाँ पे डाले गए हैं, रिक्त विवरण यहाँ से देखें, आवेदन यहाँ से करें। तो चलिए एक बार मैं रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और बांदा वाले पे कितनी सीट है टोटल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे आएंगे, कुल रिक्तियाँ जो हैं वो हैं 4, क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कॉमर्स स्ट्रीम है, MBA है, MCOM है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो चाहे पुरुष हो, महिला हो, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी हो तो यहाँ पे फॉर्म आराम से भर सकता है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए एक बात बता दूँ आपको मैं कि जो भी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट की तरफ से वो धीरे धीरे पूरी संविदा पर डाली जा रही हैं, एक एक दो दो करके ये सारी परमानेंट भर्तियाँ रहा करती थी, लेकिन इनको धीरे धीरे गवर्नमेंट पीछे वाले गेट से भरती जा रही है और परमानेंट जो भर्तियाँ उनको ख़त्म करती जा रही है। तो दोस्तों इस पर आप ध्यान दीजिए, आप इनको जो है आराम से भरिए। और ये मैं बता दूं कि ये आपकी रिन्यूअल होती रहती है, एक साल के लिए नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भर्तियां जो है वो रिन्यूअल बराबर होती रहती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर हो गया।
तो ये इस तरह से रही दोस्तों भर्ती। और ये सीतापुर में भी आपकी अगली भर्ती है, देखिए बांदा वाली मैंने आपको दिखा दी है, क्लियर है। तो ये आपकी जो है सीतापुर वाली भर्ती है, ये देखिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको देखो क्या करना है, सीतापुर वाले को मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस चीज़ की है। और यहाँ पे देखो वाराणसी, वाराणसी कानपुर बांदा, क्लियर होगा, ये रही आपकी सीतापुर वाली, ठीक है। तो देखिए सीतापुर में आपका बाल विकास पुष्टाहार विभाग गवर्नमेंटेड है, वहाँ पे है जनपद सीतापुर ये आपका। और यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये आपको दोस्तों सैलरी मिलने वाली है। बात करें यहाँ पे देखिए तो शैक्षिक योग्यता यहाँ ग्रेजुएशन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती है और 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। फॉर्म आप यहाँ से आराम से दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आराम से फॉर्म को भर पाएंगे 20,000। यहाँ पे अब देखिए 314 फॉर्म टोटल पड़ चुके हैं, रिक्त का विवरण यहाँ से देखें और आवेदन यहाँ से करें, तो क्लियर हो गया। तो सारी जानकारी दोस्तों मैंने इस पे आपको दे दी है, फॉर्म जो है आराम से आप दोस्तों भर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद।